अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है उमर और आप देख रहे हैं जलंधर बिल्डिंग मटेरियल स्टोर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको सीमेंट का तादिन रेट अपडेट करने वाले हैं और सीमेंट के रेट के हवाले से आप दोस्तों के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सीमेंट के रेट के हवाले से आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन होने जा रही है, कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं हमारे मीडिया पर, न्यूज़ चैनलों पर कि भाई हमारे वजीर खजाना चेंज हुए हैं जिसकी वजह से डॉलर का रेट थोड़ा सा नीचे आया है और ये मजीद नीचे आएगा। तो ऐसे में आप दोस्तों में से बहुत सारे दोस्तों क्वेश्चंस आ रहे थे मुझे इंस्टाग्राम पर कि भाई अगर डॉलर का रेट नीचे आता है तो क्या पाकिस्तान में जो है वो सीमेंट सरिया और दूसरे जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है और वैसे जो महंगाई की ये लहर है कम हो सकती है या फिर नहीं। दोस्तों हम तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पर बात करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड है और हमारी एक्सपर्टीज भी इसी में है और हमारे पास इन्फॉर्मेशन भी इसके मतलब ही होती है। तो प्लीज़ कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड ही पूछा करें, सीमेंट सरिया या इस तरह की आइटम्स के बारे में, दूसरी आइटम्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं होती, ना ही उसमें हमारी एक्सपर्टीज होती है। तो चलो दोस्तों मैं आपको बता दूं, मेरे पास लिस्ट है सीमेंट के रेट के हवाले से, मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, तकरीबन 12 से 14 जो पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स हैं उनके मैं आपको बता दूं रेट्स अपडेट करता हूं और साथ में आने वाले दिनों के हवाले से भी बताएंगे कि क्या कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है हमें या फिर नहीं। उससे पहले आप दोस्तों रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आने वाले दिनों के हवाले से ही कि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि भाई डॉलर आज 2-3 रुपए नीचे आया है और मजीद न्यूज़ चैनल्स कह रहे हैं कि भाई अच्छा खासा डॉलर नीचे आया क्योंकि हमारे जो वजीर खजाना है वो चेंज हुए हैं और इसहाक डार जो है वो पाकिस्तान के वजीर खजाना है जो कि बहुत सारे केसेस में हमारी पुलिस को मतलूब थे और वो फरार थे और इश्तहारी करार दिया हुआ था हमारी अदालतों ने उन्हें। लेकिन दोस्तों ये हमारा टॉपिक नहीं है, मैंने पहले भी कहा हमारा टॉपिक कंस्ट्रक्शन है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि भाई मैंने पिछली वीडियोज में भी आपको बताया कि डॉलर का जो रेट है ये पाकिस्तान में कोई बंदा बढ़ा नहीं रहा या मैं या फिर आप बढ़ा नहीं रहे, हमारी जो इकॉनमी है वो उस तरह नहीं फल फूल रही जिसकी वजह से हमारा डॉलर का रेट जो बढ़ता जा रहा है, हमारी जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने की बजाय कम हो रही है, यानी कि हमारे मुल्क की जो ओवरऑल आमदन है वो उस तरह से बढ़ नहीं रही बल्कि कम हो रही है। हमारे मुल्क के खर्चे ज़्यादा हैं, हमारे मुल्क की जो दरामदात हैं वो ज़्यादा हैं और बरामदात बहुत कम हैं, यानी एक्सपोर्ट्स कम हैं और इम्पोर्ट ज़्यादा हैं, बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगवा रहे हैं और जब हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं तो हमारे मुल्क से डॉलर बाहर चला जाता है जिसकी वजह से डॉलर का रेट बढ़ता है। तो ऐसे में दोस्तों इस वजह से जो डॉलर का रेट है ये बढ़ रहा है, वजीर खजाना के चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स जो है ये बढ़ानी पड़ेंगी अगर पाकिस्तान डॉलर का रेट स्टेबल रखना चाहता है। दोस्तों सबसे पहले बात करूँगा पाकसिम बेस्ट वे जिसका आज का ताज रेट इसके मुताबिक 1,045 रुपये, डीजी सीमेंट 1,050 रुपये, लकी सीमेंट 1,040 रुपये, मैपल लीफ 1,070 रुपये, फौजी सीमेंट 1,035 रुपये, कोहार्ट सीमेंट 1,040, अस्करी सीमेंट 1,035 रुपये, पाइनियर 1,040 रुपये, पावर सीमेंट 1,045 रुपये, चराट सीमेंट 1,030 रुपये और फ्लाइंग पाकिस्तान जो है इसका रेट 1,000 रुपये है। दोस्तों आपके एरिया के हिसाब से भी जो सीमेंट के रेट्स हैं वो थोड़े बहुत कम या ज़्यादा हो सकते हैं और आने वाले दिनों में सीमेंट के रेट के हवाले से कोई बहुत बड़ी अगर आप कहें कि कमी के चांसेस हैं, हमें बिल्कुल भी ऐसी कमी नज़र नहीं आ रही बल्कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाई इजाफा हुआ था 10 से 15 रुपये सीमेंट के रेट में और अभी तो थोड़ी सी डिमांड भी इसकी ठीक है, पहले के निस्बत पहले इसकी डिमांड बहुत कम थी, तब सोचा जा रहा था शायद इसके रेट में कमी देखने में आई लेकिन तब इसके रेट में कोई कमी देखने में नहीं आई। दोस्तों यदि मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो के मतलब आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप उसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।